कौशल नीति भी लेकर आएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 पर हम काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। हम अपनी सरकार के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को और ऐसे सभी आपके मित्रों को उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यहाँ राजस्थान में आमंत्रित करना चाहता हूँ। यही क्योंकि आपने देखा है हमारे प्रदेश में उद्योग इकाई को बिजली की कोई कमी नहीं हो सके, इसके लिए हमने बिजली के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ के निवेश समझौते किए हैं और इन निवेशों से राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा। उद्योगों की उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली भी मिलेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पर्याप्त पानी भी मिलेगा और पर्याप्त जमीन भी आपको मिलेगी। और सरकार की तरफ से आपको लोग कहते आए हैं लेकिन किया नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा काम सिंगल विंडो के आधार पर होगा। और हमने पहले से ही सुनिश्चित किया है कि हम राजस्थान के अंदर 5-6 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं और जहां जैसी आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए हम पहले से ही ये निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र किस बिजनेस के लिए किस प्लांट के लिए ठीक रहेगा, उनको हमें सुनिश्चित भी किया है और उसको हम पोर्टल पर डालते हुए आपका जो सुझाव होगा उसको भी लेंगे। राजस्थान आधारभूत ढांचे के स्तर पर अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान से होकर गुजरने से दिल्ली NCR और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से प्रदेश की कनेक्टिविटी सुगम हुई है। हम राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं और प्रदेश में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे विकसित कर रहे हैं। राजस्थान से होकर गुजरने वाला वेस्टर्न कैडिडेट फ्रेंड कॉरिडोर भी पूरी तरह से शुरू होने से उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। उद्योग की स्थापना के लिए जरूरत कुशल मानव संसाधन की होती है। हम प्रदेश के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी भी ला रहे हैं। हम वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाएंगे और 2 साल में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। हम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर की स्थापना भी हम करेंगे। हम तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ राजस्थान के हर कोने तक पहुंचे। राजस्थान के प्रत्येक गरीब नागरिक के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव भी हो। हमारा प्रयास है कि राजस्थान विभिन्न कंपनियों के लिए निवेश की पसंदीदा जगह बनकर उभरे और राजस्थान में कारोबार के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धा का माहौल हो। इस मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर राजस्थान की विकास यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और एक आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे यहाँ 35% हमारी बहनें इस प्लांट के अंदर काम करती हैं, निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
क्योंकि हमारे राज्य का विकास, हमारे देश का विकास युवा, महिला, किसान, मजदूर इन पर आधारित होता है, और इन पर अगर आधारित होता है तो इनको मजबूत बनाने का काम हम सभी को करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि विकास के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक टास्क लेना पड़ता है, और आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए उन्होंने जो टास्क लिया है, हर 5 साल में किस तरह से टास्क लिया, और 2047 तक हमारा भारत विकसित बने, हमारा भारत दुनिया का नंबर एक का देश बने, दुनिया में हमारी पहचान हो, दुनिया के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए काम करें। मैं आज इसी आशा विश्वास के साथ आपने जिन इरादों से, जिस राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने जिस तरह की काम किया है और आपने जो सोचा है, निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़े। आइए हम नई ऊर्जा एवं मजबूती इरादों के साथ आगे बढ़े, दुनिया को राजस्थान की प्रगति की शक्ति का देखने का मौका मिले, और हम सब इस विकसित राजस्थान और विकसित भारत की उस धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम काम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है और आगे बढ़ने की भी गुंजाइश होती है। नए नए काम हम किस तरह से करें, मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर आप काम करिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। हम आप पूरी तरह से, हमारी सरकार आप सभी की मदद करेगी, और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान, क्योंकि जो हमारे पास आवश्यकता है, हमारे पास दो कमी थी लेकिन उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली की कमी, पानी की कमी, लेकिन हमारा ये वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। आपने देखा होगा पानी के क्षेत्र में भी हमने काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर, और बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं राइजिंग राजस्थान की, जो आगे दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए पुनः आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, और इसका आज एक जयपुर के अंदर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ, आज से ये काम करेगा, इसके लिए मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विप्रो हाइड्रोलिक में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा में एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि जनता ने उनके कहने से वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी का और जनता का काम किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग का काम संभालना पड़ता है। हाल ही में जब बाढ़ आई तो वे 5 जिलों का दौरा करके आए और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की राशि भी पहुंचाई।
तो किरोड़ी लाल मीणा की ओर से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी ना मुख्यमंत्री से है ना प्रधानमंत्री से है, मैं खुद से नाराज हूं क्योंकि मेरे कहने पर जनता ने वोट नहीं दिया और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा भी सौंपा था। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और देखना होगा कि आगे पूरा मामला कहां तक जाता है। हालांकि इसे लेकर राजनीति खूब गर्म है, क्योंकि मैं न तो पार्टी से नाराज हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूं। आप देख रहे हो मैं 40-45 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूं और कठिन से कठिन विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो नाराजगी तो मेरे को अपने आप से है कि मैं पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चाटों को सवाईमाधोपुर करौली दौसा, तो उसमें मेरी नाराजगी पार्टी में घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपकी नाराजगी कब दूर होगी सर? ऐसे पब्लिक भी तो दूर ही है ना नाराजगी के बीच में, खुश हूँ मैं, यहाँ अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रभारी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ा हूँ। अगर मैं नाराज होता तो क्यों आता? प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया और सड़क और बगैर जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। दौसा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर दौसा में बीजेपी की ओर से मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से लेकर प्रभारी राधा मोहन दास भी इस बैठक में मौजूद हैं। 4 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई, शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी, जहां पर उपचुनावों को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर बैठक जारी है, कई बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब यहां पर बैठक में शामिल होने के लिए मदन राठौड़ पहुंचे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आपको बताते चले कि प्रभारी राधा मोहन दास का भी भव्य स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। दौसा में ये जो बैठक हो रही है उसे लेकर दौसा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित और उपचुनाव में जीत का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी लगातार खास तैयारियों में जुटी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा को तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इससे पहले उन्होंने बयान दिया जब वो स्वागत के लिए पहुंचे थे मदन राठौड़ के, तो उन्होंने कहा कि अगर गिला शिकवा होता तो स्वागत के लिए नहीं आता, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मेरी नाराजगी खुद से है। तो 4 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक होने वाली है, सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई। जोधपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी की ओर से एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। बालेसर थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल को ट्रैप किया है। 2000 की घूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। आरोपी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसीबी ने रंगे हाथों आरोपी को ट्रैप किया है। बालेसर थाने में एसीबी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ने 2000 रुपए की डिमांड की थी और चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के एवज में जब कांस्टेबल घूस ले रहा था, इसी दौरान एसीबी ने मामले का सत्यापन करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी फिलहाल पूरे मामले पर एसीबी की ओर से जांच जारी है, अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, सचिवालय और विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू की गई है। एडिशनल डीसीपी साउथ पारस जैन ने ये आदेश जारी किए। स्टैच्यू सर्कल से जनपद होकर विधानसभा तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के धरना, जुलूस और प्रदर्शन पर इस दौरान रोक रहेगी। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके के प्रदर्शन अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। एडिशनल डीसीपी साउथ पारस जैन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है, ताकि
आदेशों की धज्जियां ना उड़ाई जाए। तो स्टैच्यू सर्किल से होकर जनपद होकर जो रास्ता गुजरता है विधानसभा के लिए, उन तमाम रास्तों पर आदेश दिए गए। अनूपगढ़ से इस बीच बड़ी खबर है। घड़साना के 12 एमडी टोल नाके पर धरना लगातार जारी है। टोल नाके पर धरनार्थियों ने पूरी रात गुजारी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। 30 किलोमीटर दायरे के निवासियों को टोल मुक्त करने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब टोल बन रहा था तभी ये आश्वासन मिला था उन्हें कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन टोल बनने के बाद कुछ दबंग जबरदस्ती उनसे टोल वसूल रहे हैं। और इसी को लेकर जो आसपास के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 30 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं लगाए जाने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई समझाइश के लिए नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो वे उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। तो प्रतापगढ़ में किराना दुकान पर चाकू की नोक पर हुई लूट का मामला सामने आया। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल पर आए चार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हजारों रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। एमपी से लगते राजपुरिया बॉर्डर की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दो मोटरसाइकिल पर चार लुटेरे आते हैं और दुकान में रखे सामान को लूटते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कई बड़े सवाल भी खड़े करती है पुलिस की कार्यशैली पर भी। क्या बदमाशों में वर्दी का जरा भी खौफ नहीं रह गया है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके बावजूद बदमाश बड़े आराम से लूटपाट करते हैं और फरार हो जाते हैं। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बैठक में कलेक्टर और सांसद के सामने परिवादी का गुस्सा फूट पड़ा। पुराने नोटिस को लेकर पीड़ित से कलेक्टर ने कहा, पुराने नोटिस को लेकर हम क्षमा चाहते हैं। पीड़ित के मकान के पास माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आरोप है कि वो परेशान है। दिव्यांग पीड़ित ने 5 साल से परेशान करने का आरोप लगाया है। वन विभाग बार बार नोटिस देकर मकान तोड़ने की धमकियां दे रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने इसे लेकर संवेदनशीलता दिखाई, पीड़ित से कहा कि पुराने नोटिस आप भूल जाइए, पुराने नोटिस को लेकर हम क्षमा चाहते हैं। कलेक्टर ने पीड़ित से क्षमा भी मांगी है। उन्होंने कहा कि नए तरीके से सर्वे करवाकर दिखाएंगे कि किसका अतिक्रमण है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीगंगानगर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। केसरी सिंहपुर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी जता रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते नशे के काले कारोबार पर नाराजगी जताई जा रही है। प्रदर्शनकार स्थानीय पुलिस कर्मियों को भी हटाने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। केसरी सिंहपुर थाने के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस कर्मियों को वहां से हटाए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई जा रही है और उन्हें हटाए जाने की भी मांग की जा रही है। तो श्रीकरणपुर सीओ सहित अन्य पुलिसकर्मी समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर प्रदर्शनकारी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रांची के डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े कई इनपुट्स भी मिले हैं। यूपी झारखंड राजस्थान से जुड़े कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। रांची में 15, राजस्थान में 1 और यूपी में
एक जगह पर छापेमार कार्रवाई करते हुए टीम को बड़ी सफलता हासिल मिली है, जहां पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े कनेक्शन में बड़ा पर्दाफाश हुआ है और पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। यानी कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कई और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। अलकायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें और राज्यों की बात करें तो विशेष तौर पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची में ही 15 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पर यह भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पर ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मनसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची से डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक आरोपी का नाम जो है वो सामने आया है और उससे जुड़ा हुआ नया कुछ इनपुट्स निकल के सामने आया है कि झारखंड में किस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा था, खासतौर पर अलकायदा से जुड़े हुए जो कुछ अन्य आतंकी संगठन हैं तो उसको वहां पर कैसे क्रिएट किया जा रहा था और कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके स्लीपर सेल में जुड़े हुए थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में चाहे झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ इलाका है और खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास में कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके और कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली जिसको अब जांच एजेंसी के द्वारा भी आगे खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जो टीम है उस एक ज्वाइंट तौर पर अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद। फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से